हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं नाइन्थ चैप्टर, जो कि हमारे सोम का नाइन्थ चैप्टर है, शियर स्ट्रेस इन बीम्स। ठीक है, तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट द स्ट्रेसेस इन बीम सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो शियर फोर्स। तो पहले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी बीम है जिसपे बेंडिंग मोमेंट एक्ट हो रहा है और जीरो शियर फोर्स एक्ट हो रहा है, तो उस केस में कैसे हम डील करेंगे। हमने फॉर्मूला देखा था प्योर बेंडिंग का, एम अपॉन आई इजकल टू सिग्मा अपॉन वाई इजकल टू ई अपॉन आर। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, इन दैट केस द बीम विल बी सब्जेक्टेड टू ओनली बेंडिंग स्ट्रेसेस। उस केस में जो बीम है उस पर सिर्फ बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट हो रहा था, लेकिन इन रियल सिनेरियो जो सही में एक्चुअल होता है, बीम इज सब्जेक्टेड टू वेरिंग बेंडिंग मोमेंट एट डिफरेंट सेक्शन। अब वहां पर क्या होता है, अलग अलग सेक्शन पे अलग अलग बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा होता है। ऑल्सो द बीम इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। इसके साथ साथ जो वेरिंग बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर ही रहा होता है, साथ में शियर फोर्स भी एक्ट कर रहा होता है, विच वेरीज फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन, जो कि सेक्शन टू सेक्शन वेरी कर रहा होता है, सब कुछ लग रहा होता है एक्चुअल कंडीशन में। दीज शियर फोर्सेस विल लीड टू शियर स्ट्रेसेस इन बीम। ये जो शियर फोर्स है क्या करेगा, शियर स्ट्रेस करेगा बीम में। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द बीम विल बी सब्जेक्टेड टू दीज शियर स्ट्रेसेस। जो ट्रांसवर्स सेक्शन होगा बीम का will be subjected to these shear stresses. उस पर क्या होगा, ये shear stress act करेगा। Horizontal complementary shear stresses will be produced by these shear stresses. और इस shear stress के कारण क्या होगा, एक horizontal complementary shear stress act करेगा, which will act on longitudinal layers of the beam. जो act करेगा एक longitudinal layers of the beam पे। Clear है? In this chapter we will discuss about the distribution of shear stress across varying section, various section, जैसे कि rectangular section हो गया, ट्रायंगल सेक्शन, आई सेक्शन, तो उसमें बात करेंगे कैसे कैसे इसे एक्ट करता है। अगर बात करें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रिज्मेटिक बीम पे, तो पहले क्या करेंगे, कंसीडर सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल डब्ल्यू ओवर द एंटायर स्पैन। पूरे स्पैन में हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे देख सकते हैं पूरे स्पैन में हमने क्या किया, यूडीएल एक्ट कर रहा। ठीक है, टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लेंथ डी एक्स एंड अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू। तो एक्स वन एंड एक्स टू के बीच में, x1 एंड x2 के बीच में हम क्या करेंगे, एक dx एलिमेंट लेंगे। लेट द गिवन UDL विल प्रोड्यूस मोमेंट m एट सेक्शन x1 एंड मोमेंट m प्लस dm एट सेक्शन x2। x1 पे क्या एक्ट कर रहा है, m एक्ट करेगा, और x प्लस dx पे क्या करेगा, x2 पे क्या करेगा, m प्लस dm एक्ट करेगा। देर विल बी कंप्रेशन इन द पोर्शन ऑफ द बीम अबव न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वहां पे कंप्रेशन होगा। ठीक है, और जो टेंशन होगा उसके नीचे वाले एरिया पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, कुछ ये आपका बनेगा स्ट्रेस डायग्राम, ऊपर में कंप्रेशन और नीचे में टेंसाइल। टेक एन एलिमेंट्री स्टेप एट डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस स्टेप लेंगे, सिग्मा आ जाएगा बेंडिंग स्ट्रेस एट सेक्शन एक्स वन एक्स वन, सिग्मा प्लस डी सिग्मा क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस एट सेक्शन एक्स टू एक्स टू। ठीक है, एम हो गया बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स वन एक्स वन, एम प्लस डी एम हो गया एक्स टू पे, और एस हो गया शियर फोर्स एक्स वन पे, एस प्लस डी एस होगा एक्स टू पे। ठीक है, यूजिंग फ्लेक्सर फॉर्मूला एम अपन आई इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा अपन वाई, बेंडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रिप एट सेक्शन एक्स वन, एक्स वन पे जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वो क्या आएगा, सिग्मा इज इक्वल टू एम अपन आई इंटू वाई। टोटल फोर्स निकाल लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें एरिया से, एरिया ऑफ द स्ट्रिप से, तो स्ट्रेस निकाल रखे डी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से एक्स सिमिलरली हम एक्स टू पे निकाल लेंगे, सिग्मा प्लस डी सिग्मा, तो एम प्लस डी एम अपन आई इंटू वाई, और फोर्स निकालेंगे तो डी ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन वन और टू से हमें क्या करेंगे, नेट जो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा डीएफ के बराबर, और ये आएगा डीएम अपॉन आई इंटू डी वाई टू गेट टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन ऑल लेयर्स बिटवीन ए बी सिटीज। को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट करने पे ये क्या आ जाएंगे, एफ इजकल टू इंटीग्रल ऑफ डी एफ वाई से डी बाई टू तक उसको हम ले जाएंगे। ठीक है, वाई से डी बाई टू, ये क्या डिनोट करता है, द मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ द कंसर्न सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सेस। न्यूट्रल एक्सेस के अबाउट जो कंसर्न सेक्शन है उसका मोमेंट ऑफ एरिया को ये जो टर्म है ये रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं वाई बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समेशन ऑफ वाई डी ए, इसका इंटीग्रल वाई से डी बाई टू क्या आएगा, ए वाई बार के बराबर आ जाएगा। ठीक है, एफ क्या आ गया, डी एम अपन आई इंटू ए इंटू वाई बार। द अनबैलेंस्ड फोर्स एफ विल बी रेसिस्टेड बाई शियरिंग स्ट्रेसेस एक्टिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ डी एक्स ऑफ द स्ट्रिप। और ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है कौन रेसिस्ट करेगा, जो शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एफ इजकल टू क्या होगा, टाउ डी इंटू बी, और डी एम अपन आई इंटू ए वाई बार इजकल टू बी टाउ डी एक्स। तो इसको हम टाउ इजकल टू क्या लिख सकते हैं, डी एम अपन डी एक्स ए वाई बार, ठीक है, इंटू आई इंटू बी, डी एक्स उधर लेगा। वी नो दैट डी एम अपन डी एक्स क्या है, शियर फोर्स है किसी भी सेक्शन पे, तो ये आपका आ गया शियर स्ट्रेस, tau इज इक्वल टू एस ए वाई बार
टू आई इंटू बी। तो ये फॉर्मूला सिंपल याद रखिएगा, उतना देखने की जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा सीयर स्ट्रेस किसी भी सेक्शन पे, एस ए वाई बार अपॉन आई बी। एस क्या है गया, सीयर फोर्स हो गया उस सेक्शन पे, वाई बार क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया इवन वाई फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, वाई से ऊपर जो सेंट्रॉइड होगा जिस एरिया हमें निकालना है सीयर स्ट्रेस, उसमें सेंट्रॉइड निकालेंगे हम न्यूट्रल एक्सिस से। ए वाई बार क्या हो गया मोमेंट ऑफ एरिया इवन न्यूट्रल एक्सिस, आई हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और बी हो गया विथ ऑफ सेक्शन। ठीक है, द अबव एक्सप्रेशन ऑफ सीयर स्ट्रेस हैज बीन डिराइव्ड बाय अज्यूमिंग कांस्टेंट सीयर स्ट्रेस अक्रॉस विथ। तो हमने क्या अज्यूम किया है, पूरे विथ के अक्रॉस कांस्टेंट सीयर स्ट्रेस है, बट इन एक्चुअल बात करें तो सीयर स्ट्रेस वेरीज अक्रॉस विथ, वो सीयर स्ट्रेस वेरी करता है। हेंस टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार शुड बी यूज्ड ओनली फॉर नैरो सेक्शन। तो नैरो सेक्शन में यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन ले रखे हैं कि जो सीयर स्ट्रेस है विथ के अक्रॉस कॉन्स्टेंट होता है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। द फॉर्मूला एस ए वाई बाय बार विल बी वैलिड ओनली व्हेन बेंडिंग विल अकर विदाउट टेस्टिंग। अगर बेंडिंग हो रहा है विदाउट टेस्टिंग के, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला सिंपल याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। अगर अलग अलग सेक्शन पे, जैसे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो उसके इसमें जो बी है उसका बी होगा विथ डेप्थ डी है डी बाई टू, यहाँ से वाई बार इसका ये आ गया। ठीक है, जो सीयर स्ट्रेस वेरिएशन निकालेंगे फॉर एन एलिमेंट एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द एव ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस गेन बाई। तो सिंपल फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ पोर्शन ए बी एफ, ये आपका ए बी एफ ई, ये वाला पोर्शन का निकालना है हमको, सीयर स्ट्रेस एक्ट करा उस पर। पहले एरिया निकालेंगे, क्या होगा बी इंटू विथ, तो बी होगा कॉमन होगा डी वाई टू, ये डी वाई टू माइनस वाई, ये जो डिस्टेंस है घटा देंगे तो ये आ जाएगा डायमेंशन, इसमें विथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा एरिया, एरिया निकल गया। सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालेंगे ऑफ एरिया ए बी एफ फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, तो ये आ जाएगा वाई प्लस ये वाई प्लस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो डी बाई टू माइनस वाई का आधा, डी क्या आ जाएगा वाई प्लस डी बाई टू अपॉन टू। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो y प्लस ये हो गया, और ये वाला एरिया कितना है डी वाई टू माइनस वाई, और इसका आधा है। ठीक है, तो y प्लस डी वाई फोर माइनस वाई बाई टू, क्या आ गया वाई वाई टू प्लस डी वाई फोर। ठीक है, तो मतलब y प्लस डी वाई टू अपॉन टू, यहीं पे दिया हुआ। i क्या होता है मोमेंट i इज इक्वल टू बी डी क्यूब बारह, तो इस फॉर्मूला को हम पुट कर देंगे इसमें, ये जो सारा वैल्यू आया इसमें फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा सिक्स एस अपन बी डी क्यू इंटू डी स्क्वायर बाई फोर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीयर स्ट्रेस द डेरिवेटिव ऑफ सीयर स्ट्रेस विद रिस्पेक्ट टू वाई शुड बी जीरो, ये जीरो होना चाहिए तभी हमको मिलेगा मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस। तो डी टाउ अपन डी वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वाई इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, which is also the portion of the neutral axis. Hence, for a given rectangular section, maximum shear stress is obtained at the neutral axis for a given shear stress. ठीक है, तो maximum shear stress कहाँ पे मिलेगा आपको? Neutral axis मिलेगा। Clear है? 6x upon BDQ d square 4. ये आ जाएगा 3 by 2 SBD, मतलब tau max in case of rectangular section 3 by 2 tau average आ गया। ठीक है, और ये आपका लेट द डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टाउ इज इक्वल टू टाउ एवरेज का कम कहां पे मिलेगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस d बाय 2 रूट 3 पे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें सीयर स्ट्रेस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो ये आपका इस तरह का पैराबोलिक शेप का कुछ आएगा। ठीक है, टाउ मैक्स हो गया सेंटर पे 3 बाय 2 टाउ एवरेज आ गया d बाय 2 रूट 3 पे प्लस माइनस। ठीक है, उसी तरीके से अगर सर्कुलर सेक्शन हम देखें तो सिंपल स्टेप है, एलिमेंट लेना है, उसका एरिया निकालना है, उसका वाई बार निकालना है, फिर इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और उसको फिर इंटीग्रेट करके हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो सिंपल एक इसमें कंसेप्ट याद रखिएगा, जो टाउ होता है यहाँ पे, मतलब जो टाउ मैक्स आएगा वो आएगा 4/3 टाउ एवरेज। ठीक है, और ये टाउ एवरेज कहाँ पे आएगा, ये आएगा वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई टू पे आएगा। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है सर्कुलर सेक्शन के लिए सीयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर सेक्शन में, तो यहाँ भी सिंपलर है, न्यूट्रल एक्सिस से क्या करेंगे एक एलिमेंट लेंगे और एरिया निकालेंगे वाई बार निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे इसमें पुट कर देंगे। इसमें भी सिंपल याद रखिएगा, तो टाउ मैक्स होता है यहाँ पे 3/2 टाउ एवरेज के बराबर होगा, और ये कहाँ पे होगा एच बाई टू फ्रॉम द एपेक्स होगा, टाउ इज इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज।
ठीक है, टाउ मैक्स आ गया आपका 3/2 टाउ एवरेज। ठीक है, और ये आपका वेरिएशन दिया हुआ है, तो टाउ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया 4/3 टाउ एवरेज, और टाउ मैक्स आएगा 3/2 टाउ एवरेज। क्लियर। उसी तरीके से आई सेक्शन में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, कंसीडर एन आई सेक्शन ऑफ द बीम हैविंग विथ बी एंड डेप्थ डी। डेप्थ क्या है, डी है, और विथ बी है, तो थिकनेस मान लेंगे वेव का क्या, बी, एंड डेप्थ ऑफ द वेव इज डी, स्मॉल डी। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीयर स्ट्रेस इन आई सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय सेपरेटली ऑफ फॉर वेव। तो वेव और फ्लैंज के लिए दोनों का अलग निकालेंगे, बस फर्क यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे जो ज्वाइंट हो रहा है, यहाँ पे चूंकि विथ ज्यादा है तो विथ याद कीजिए नीचे आता है, तो यहाँ पे खटाक से सडन डिक्रीज होगा, जैसे ही वेव आपका फ्लैंज में एंटर करेंगे, वेव में क्या है एरिया यहाँ पे विथ कम है तो यहाँ पे बढ़ जाएगा तुरंत से। ठीक है, अगर हम उसको देखें तो इस तरह का कुछ आपका बनेगा, यहाँ पे जॉइंट पे जैसे ही नीचे आएंगे क्योंकि एरिया कम हो रहा है, सॉरी एरिया बढ़ रहा है यहाँ पे फ्रेंच में, तो यहाँ पे यहाँ से तुरंत डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, मतलब 4-5 छोटे छोटे टॉपिक्स थे, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा जो आप लोग कर सकते हैं इसके पीडीएफ से, बाकी क्वेश्चंस का फिर अलग सेशन लेकर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।